बात करती है माटी बेटी रोटी की, लेकिन जमीन पे वो काम नहीं होता। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ देखिए, प्रणव वर्मा एक ऐसा नाम है जो कहा जाता है कि पहले समाज का नेता, उसके बाद कोई दल का नेता, ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन प्रणव वर्मा इस वक्त में आए हैं जिस वक्त चुनाव चल रहा है, और जब कहते हैं ना कि महाभारत जब हुआ था तो ये नहीं देखा गया उधर मेरा भाई है कि रिश्तेदार है। जब युद्ध होता है तो धर्म युद्ध होता है, और धर्म युद्ध में जो सही है वही जीतता। एक सवाल लास्ट, झारखंड जो है झारखंडियों से चलेगा और दूसरे से चलने वाला नहीं है। हेमंत शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ चुके हैं। इनकी गर्मजोशी से स्वागत गिरिडीह जिला कार्यालय झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में हुई देखा गया। यहाँ सीधे तौर पे बात करते हैं कि प्रणव जी, पहले आप भाजपा में थे, उसके बाद अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गए हैं, क्या कुछ वजह हुई जो यहाँ आपको फिर हरा पट्टा पहनना पड़ा? वजह साफ है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो बात करती है माटी बेटी रोटी की, लेकिन जमीन पे वो काम नहीं होता। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कहा जाए केंद्र के लोगों के बारे में बात होती है। यहाँ हेमंत विश्वकर्मा हो, छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं, लेकिन जो झारखंड के मूल वासी हैं उसके बारे में कोई चिंता नहीं। यहाँ पार्टी में जो लोग हैं, यहाँ जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, उनके बारे में कोई सोच नहीं है भारतीय जनता पार्टी। और अगर कोई सोच रखता है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा रखता है कि यहाँ के लोगों का कैसे विकास हो सके। इसीलिए मैंने बेहतर समझा कि ऐसे पार्टी को त्याग करके हम लोग यहाँ पे आएँ जहाँ पे झारखंड के बारे में सोचा जाए। झारखंड के बारे में देखिए, प्रणव वर्मा एक ऐसा नाम है जो कहा जाता है कि पहले समाज का नेता, उसके बाद कोई दल का नेता, ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन प्रणव वर्मा इस वक्त में आए हैं जिस वक्त चुनाव चल रहा है, क्या इसको झारखंड मुक्ति मोर्चा एक कुशवाहा को आगे लाने के लिए या एक ऐसे अवसर को देखी है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग सिर्फ कुशवाहा को नहीं, मेरे साथ में हर वर्ग के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, कुशवाहा के हों, राम हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कह सकते हैं हर जाति के लोग जुड़े हुए हैं। और पार्टी को ये भी फायदा होगा कि भाई कुशवाहा समाज का चेहरा हम लोग बन सकते हैं, तो दोनों चीज़ देखते हुए कि भाई जितने लोग इस कोडरमा लोकसभा में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ आए। एक सवाल तो और आ सकता है ना कि आप ही के समाज से जो है कि गांडे में जो है सो खड़ी हैं मुनिया देवी जी, और ऐसे वक्त में आप भी यहाँ बीच मैदान में, क्या हो सकता है समाज में या फिर आप में क्या हो सकता है? समाज, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सैनिक हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सैनिक के बतौर काम करेंगे। और जब कहते हैं ना कि महाभारत जब हुआ था तो ये नहीं देखा गया उधर मेरा भाई है कि रिश्तेदार है। जब युद्ध होता है तो धर्म युद्ध होता है, और धर्म युद्ध में जो सही है वही जीतता। एक सवाल लास्ट में, चलते चलते बस यही पूछेंगे, हेमंत विश्व शर्मा का एक बयान आता है, वो विवादित बयान कहा जा रहा है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? क्या चीज, क्या बोला? हेमंत विश्व शर्मा जो बयान दिए थे, क्या चीज़ नहीं समझ पा? बड़े बड़े मंच, असम के मुख्यमंत्री का एक बयान आता है जो अभी मीडिया में चल रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इस पे कार्रवाई करे। झारखंड जो है झारखंडियों से चलेगा और दूसरे से चलने वाला नहीं है। हेमंत शर्मा जी आके यहाँ पे बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करके चाहते हैं कि हम किसी तरह राजसत्ता हासिल कर लें, तो ये होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। ये थे प्रणव वर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन अभी जो है हाल में 2 दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं। अब ये देखना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्रणव वर्मा के आने से कितना बल मिलेगा, जबकि गांडे में उसी के समाज से मुनिया देवी भी हैं और भी हैं। और कहा जाता है, जैसे कि पहले भी मैं वक्तव्य में कहा हूँ,
कि पर्णव वर्मा एक ऐसा नाम है जो पहले समाज का नेता कहे जाते हैं, उसके बाद किसी दल संगठन का नेता कहे जाते हैं। तो क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, ये समय पे ही तय होगा। फिलहाल पंकज के साथ जोहर।